राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पत्थों की बंदिशों से क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या खुद की नजरें झुकती हैं, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, तूफान भी बुझा ना पाए ऐसा दीप जलाना पड़ता है, तूफानों से भी ना बुझ सके ऐसा दीप जलाना पड़ता है। आइए शिक्षक दिवस पर इन मोटिवेशन लाइनों को हम मोटिवेशन बनाते हुए सभी शिक्षकों को, मेंटोर्स को, सभी गुरुओं को जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनका राजस्थान इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार और बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि बिना शिक्षक के कोई भी एस्पिरेंट अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। एक गुरु, एक शिक्षक जो होता है एक सारथी की तरह होता है जो युद्ध का एक निर्णायक बिंदु साबित होता है। यदि सारथी में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, तो वो अपने योद्धा को जीत की तरफ ले जाएगा, और सारथी यदि इनकैपेबल है तो वो अपने योद्धा को हार की तरफ मूव कर देगा। तो सभी गुरुजनों को, सभी एजुकेटर्स को, सभी मेंटोर्स को राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट हार्दिक आभार व्यक्त करती है और हार्दिक अभिनंदन करती है, और इस टीचर्स डे पर एक बार फिर राजस्थली परिवार की तरफ से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं मोटिवेशन और इन्हीं कॉम्प्लीमेंट के साथ हम शुरू करते हैं आज का भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस का एक और बर्निंग केस, बहुत ही बर्निंग केस जो बहुत ही फेमस रहा था। और इस एक केस में भारतीय एविडेंस एक्ट के लगभग लगभग काफी सारे एस्पेक्ट क्लियर होंगे आपके, काफी एस्पेक्ट क्लियर होंगे आप पर। देखिए केस का जो नाम है संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई 2010, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसको प्रियदर्शनी मट्टू के नाम से जाना जाता है। ये जो केस था प्रियदर्शनी मट्टू के नाम से फेमस है, बहुत फेमस केस रहा था। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सभी पहलुओं पर एक शानदार प्रकाश डालेगा और सभी पहलुओं को खोल देगा। ये एविडेंस एक्ट लगभग सभी साक्ष्यों को लेते हुए एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन था जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट की जड़ों तक इस पर काम किया था। आईएसटीएस के संक्षेप में फैक्ट क्या थे, देखिए आप यहाँ पर जो संतोष होता है वो एक्यूज्ड है और प्रिया दर्शनी का मर्डर किया जाता है, ये डिसीज्ड होती है, ये विक्टिम होती है। कहानी क्या कहती है, संतोष और जो ये प्रिया दर्शनी है एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ये लोकल स्टूडेंट होते हैं और एक ही कॉलेज में ये पढ़ते हैं। यहाँ पर संतोष को प्रियदर्शनी से प्यार हो जाता है, अफेयर हो जाता है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अनअमेयर हो जाता है, इन्फेचुएट हो जाता है। मगर ये प्यार फ्रेंड्स एक तरफा था, सिंगल साइडेड था, यहाँ पर प्रियदर्शनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था संतोष कुमार सिंह में। ये करियरिस्ट स्टूडेंट थी, अपना करियर कार्य करना चाहती थी लॉ के फील्ड में, इसके सपने बहुत ऊंचे थे, इसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे, इसलिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस लव अफेयर में। ये सिंगल साइडेड लव है, दिन प्रतिदिन परवान चढ़ता है, बहुत ऊपर की तरफ जाता है और ये संतोष सिंह इसके प्यार में पागल हो जाता है। जब ये इसको भाव नहीं देती है या इसके लव अफेयर में या लव प्रपोजल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है तो इसको हरेस करना शुरू कर देता है, ये इसको परेशान करता है किसी ना किसी तरीके से कॉलेज कैंपस में। यहाँ पर प्रियदर्शनी 354 आईपीसी के अगेंस्ट इसकी कंप्लेंट करवाती है, 354 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत इसकी जो है कंप्लेंट करवाती है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये भी इसके खिलाफ कई कंप्लेंट करवाता है, यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करवाता है क्योंकि ये दो डिग्री साइमल्टेनियस कर रही थी, तो यहाँ पर ये भी कंप्लेंट करवाता है, तो इस तरह कंप्लेंट का सिलसिला चालू हो जाता है दोनों के मध्य, यानी एक बिटर एनिमिटी चालू हो जाती, खाई शुरू हो जाती है जो इस मर्डर को, इस कत्ल को अंजाम देती है। तो कहानी देखिए यहाँ पर दो सेक्शन है, 354 आईपीसी और 302 आईपीसी यहाँ पर अपना रोल निभाएंगे। अब कहानी शुरू होती है, एक दिन प्रियदर्शनी जो होती है अपने घर पे अकेली होती है, तो यहाँ पर अकेजन पैदा होता है, यहाँ पर एक अकेजन पैदा होगा सेक्शन 7 के अंतर्गत, और इस अकेजन का घर में अकेले होने का फायदा उठाता है ये संतोष कुमार सिंह, ये एक्यूज, और ये अपॉर्चुनिटी लेता है, इसके घर पे जाता है। ये इसके घर पर, टाइमिंग को नोट करिए आप, 4:50 शाम को इसके घर पे जाता है और वहां जाकर इन दोनों के बीच में हॉट कॉरल होती है जिससे कोच पैदा होता है, कॉल होता है दोनों के बीच में। फिर यहाँ पर सेक्शन 7 अपना रोल निभाता है,
सेक्शन 7 वो अकेली होती है, अकेजन और अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। तो देखिए स्टार्टिंग होती है सेक्शन 7 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में चल रहा है कहानी। यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 अपना रोल निभा रहा है, जहां पर अकेजन अपॉर्चुनिटी मिलती है, अकेजन के कारण अपॉर्चुनिटी मिलती है उस अभियुक्त को। अभियुक्त उसके घर पे जाता है तो वहां पर कोस पैदा होता है, दोनों के बीच में हॉट कॉरल होती है। वो हो सकता है कुछ और चाहता हो, वो कुछ और चाहती हो, यहाँ पर कोस होता है, जो भी रीजन पैदा होता है, कोस पैदा होता है, वो सेक्शन 7 में पैदा होता है। तो अकेजन के बाद अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के बाद कोस आया, सेक्शन 7 अभी चल रहा है आपका। तो यहाँ पर जो संतोष कुमार सिंह है वो इस लड़की का, प्रियदृष्टि का मर्डर कर देता है और वो वहां से 5:30 पर वहां से रवाना हो जाता है। यानी फ्रेंड्स ये जो सारी कहानी घूमी है 40 मिनट में घूमी है, 40 मिनट्स में घूमी है, सीधी सीधी सी कहानी है, 40 मिनट में कहानी घूमती है, 40 मिनट में कहानी कंप्लीट होती है। अब आपका अकेजन कल चला गया, अपॉर्चुनिटी चला गया, कोच चला गया, अब जब मर्डर हुआ है तो उसके इफेक्ट जरूर आएंगे। तो इफेक्ट में क्या होता है, ये पर्सन एक हेलमेट पहन के आता है जिसके आगे एक वाइजर लगा होता है। इस सारी कहानी में, इस सारी क्राइम में जो है उसका वाइजर टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और पहला इफेक्ट था इस मर्डर का। दूसरा वहां पर खून के कुछ धब्बे मिलते हैं, क्योंकि जब आप किसी को हेलमेट से मारेंगे तो खून स्प्रेड होगा, तो उसके इफेक्ट होते हैं, वो वहां पर इफेक्ट होता है उस मर्डर का। ये आपका इफेक्ट आ गया सेक्शन 8 को कवर करते हुए, ब्लड स्टेन इफेक्ट आ गया, ब्रोकन पीस ऑफ हेलमेट आ गया, या उसके जो वाइजर है उसका आ गया, इंजर्ड हैंड हो गया था, उसका जो हैंड था एक वो वहां पर आपका इंजर्ड हो जाता है इस मारापीटी में, इस कहासुनी में। तो ये इसके इफेक्ट आ गए। यहाँ पर सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 8 कवर हो गया, सेक्शन 7 कवर हो गया, सेक्शन 8 कवर हो गया, सीधी सी कहानी है। अब यहाँ पर सेक्शन 9 को भी ले आते हैं, जहाँ पर स्टेट ऑफ थिंग्स क्या थी। यहाँ पर स्टेट ऑफ थिंग्स थी कि यहाँ पर सारा बैकग्राउंड उनका, एक कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज में आना जाना, यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल साइडेड लव होना, एक दूसरे की क्लास में पढ़ना, इस लड़के का उस लड़की की तरफ झुकाव हो जाना, ये सारा क्या है स्टेट ऑफ थिंग है। सेक्शन 9 को कवर करते हुए जा रहा है स्टेट ऑफ थिंग। यहाँ पर सेक्शन 9 फिर अपना एक जोरदार रोल निभा रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे थे, पार्टी के बीच में रिलेशंस कैसे थे। तो पार्टी के बीच में जो रिलेशंस थे वो इस तरीके से थे कि दोनों दोस्त थे। यहाँ पर फिर सेक्शन 9 अपना रोल निभा रहा है कि पार्टी के रिलेशन आ गए, कि पार्टी के रिलेशंस कैसे थे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से भारतीय एविडेंस एक्ट बराबर बराबर अपनी थ्योरी निभाता है। मर्डर हो गया, अरेस्ट हो गया, ट्रायल चालू हो गई, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब मामला जा रहा है कोर्ट में, कोर्ट में चलते हैं, पहले चांस देते हैं प्रोसिक्यूशन को। तो प्रोसिक्यूशन क्या कहता है अपने सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस में, वो कहता है देखिए साहब इसके हेलमेट का कांच नहीं है, इसके हेलमेट के जो कांच के टुकड़े हैं वो वहां पर मिले थे, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हो गए वहां पर सरकमस्टेंशियल एविडेंस। फिर मोटिव आया सेक्शन 8 में कि साहब इसका मोटिव था क्योंकि ये सिंगल साइडेड प्यार करता था, ये इसको जो है लव नहीं करती थी, तो ये जल्टेड लवर हो गया, तो इसने अपना बदला लेने के लिए, अपने बदले को शशित करने के लिए इसका मोटिव पैदा हो गया कि इसको मर्डर किया जाए, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। तो यहाँ पर मोटिव भी आ गया, पार्टी जॉब रिलेशन भी आ गया। तो यहाँ पर इसने कहा कि सिर्फ और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लास्ट सी थ्योरी भी डेवलप हो गई, जो पड़ोसी ने देखा 4:50 पर उसे आते हुए और 5:30 पर उसे जाते हुए एक पड़ोसी ने देखा, तो यहाँ पर लास्ट सी थ्योरी भी एप्लीकेबल हो गई। ये प्रोसिक्यूशन रखता है सेक्शन 7 के अंतर्गत, क्योंकि इसका आई विटनेस तो कोई था नहीं, डायरेक्ट एविडेंस तो कोई था नहीं, केवल सरकमस्टेंशियल एविडेंस है, वो भी लास्ट सी थ्योरी अप्लाई होती है। तो लास्ट सी थ्योरी क्या कहती है कि किसी ने आते नहीं इसने आते हुए देखा, मर्डर करते हुए नहीं देखा, तो यहाँ पर जो लास्ट सी थ्योरी है वो भी एप्लीकेशन पे आ गई। तो लास्ट सी थ्योरी क्या कहती है कि सेक्शन 7 यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो प्रोसिक्यूशन के पास क्या क्या यहाँ पर उसको आरोपी बनाने के लिए एविडेंसेज है, वो देखिए, कांच के टुकड़े, उसका टूटा हुआ हाथ, उसका मोटिव, और यहाँ पर लास्ट सी थ्योरी ये प्रोसिक्यूशन ने अपने पक्ष में लिया कि साहब इनको बेस बनाते हुए आप इसको अक्यूज्ड या कन्विक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया प्रोसिक्यूशन का काम समाप्त। अब कहानी चली गई डिफेंस के पास। तो डिफेंस क्या कहता है कि ये जो आप कह रहे हो कि इसका हाथ इस क्राइम के दौरान टूटा है, तो इसका जो हाथ है वो आज से 10-12 दिन पहले किसी एक्सीडेंट में टूट गया था, वहीं इसके जरी आई थी, तो इसका तो हाथ टूटा हुआ है पहला काम। और इसके हेलमेट का जो वाइजर टूटे की बात कह रहे हो, ये वहीं टूट जाता है इसका वाइजर भी, ये इसका दूसरा काम।
ये प्रोसिक्यूशन के जो आर्गुमेंट उनको फेल करने की पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कि हाथ कैसे टूटा। बोले साहब हाथ इसलिए टूटा क्यों, क्योंकि वहां पर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ कि इसका एक्सीडेंट हो गया था। तो बोले साहब इसका वाइजर क्यों टूटा, बोले वाइजर इसलिए टूटा क्यों, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लेता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट लेता है, ये प्ली ऑफ एल्बाई को लेता है, प्ली ऑफ एल्बाई में जाने की कोशिश करता है, ये सेक्शन 11 को कॉल करता है। तो देखिए सेक्शन 11 हो गया, प्ली ऑफ एल्बाई यहाँ पर काम आ गया, डिफेंस में प्ली ऑफ एल्बाई सेक्शन 11 को यूज कर रहा है ये, कि यहाँ पर 11-1 में वहां पर था ही नहीं, तो भाई साहब आप कहाँ पर थे। बोले मर्डर हुआ 5:30 बजे, मेरा 6 बजे मेरे लॉ कॉलेज में मेरी अटेंडेंस है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, 6 बजे मेरी अटेंडेंस है, और जहां पर मर्डर हुआ और जहां उसकी कॉलेज थी उसका डिस्टेंस कोई भी आदमी कम से कम 40 मिनट पहले तो पूरा कर नहीं कर सकता। 6 बजे उसकी अटेंडेंस है तो वो तो मात्र 30 मिनट का डिफरेंस हुआ, तो फिर आपका ये कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी 6 बजे क्लास में है और डिस्टेंस वो कम से कम 6:10 से पहले तो वो वहां पहुंच ही नहीं सकता है। सीधी सी कहानी है, और थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा होगा तो 60 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में किसी भी पॉसिबिलिटी में किसी भी तरीके से वो वहां पर 40 मिनट से पहले किसी हाल में नहीं पहुंच सकता। यदि मर्डर 6:10 पे होता, मर्डर आपका जिसे कहते हैं पहले होता, या 6:10 पे उसकी अटेंडेंस होती तो ठीक था, कोई बात नहीं है, प्रोसिक्यूशन वो आपका डिफेंस यहाँ पर जिसे कहते हैं उसका ले सकता था। लेकिन यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई उसकी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि जो भी वॉचमैन था उसने स्टेटमेंट दिया कि साहब इस आदमी ने जबरदस्ती आया तो ये 6:20 पे था, लेकिन ये जबरदस्ती गलत तरीके से जो है टेक्निकल मिस्टेक करवा के इसे 6 बजे अपनी अटेंडेंस फिट कर दी। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का जो चेन है, सर्कमस्टेंस जो चेंज है, मोटिव हो गया, डॉक्टर की राय हो गई, सेक्शन 45 भारतीय एविडेंस, उसने भी कहा कि साहब इसका गला घोट के मारा गया है, हेलमेट की चोट से ये इसको चोट हुई है, उसके हेलमेट का शीशा टूटा हुआ था, ये सारी चीजें करोबरेट करती है कि जो ये मर्डर हुआ, ये जो मर्डर है वो आपका संतोष कुमार सिंह ने ही किया है, इसके अलावा और कोई मर्डर नहीं कर सकता। लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई, यहाँ पर उसका मोटिव एप्लीकेबल हो गया, यहाँ पर सेक्शन 45 के अंतर्गत डॉक्टर की ओपिनियन सिद्ध हो गई, यहाँ पर कोज सिद्ध हो गया, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और अकेजन सिद्ध हो गया, लास्ट सी थ्योरी अप्लाई हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मोटिव अप्लाई हो गया। लास्ट सी थ्योरी बिल्कुल एप्लीकेबल है, यहाँ पर लास्ट सी थ्योरी को प्ली ऑफ एलिबाई नहीं काट पाया। यदि प्ली ऑफ एलिबाई को ये अभियुक्त किसी ना किसी तरीके से संदेह के परे सिद्ध कर देता तो प्रोसिक्यूशन की चेन टूट जाती, और जैसे ही प्रोसिक्यूशन की चेन टूट जाती ये जो केस है, ये जो प्रेजेंटेशन है, संदेह के दायरे में आ जाता, और फिर कोई भी ताकत इसको संदेह के दायरे में जो है यहाँ पर इसको कन्विक्ट नहीं कर सकती थी। पर यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई को चौकीदार की गवाही ने तोड़ दिया, वो कहता है यहाँ पर 6:20 पर आया था, लेकिन मुझसे किसी भी तरीके से इसे 6 बजे की अटेंडेंस लगवाई। तो लास्ट सी थ्योरी को काटने वाला जो अस्त्र था वो था प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में, यानी सेक्शन 7 को काटता तो सेक्शन 11 काटता, लेकिन यहाँ पर ये थ्योरी भी फेल होती है। तो सभी आधारों को, सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को बेस बनाते हुए यहाँ पर संतोष कुमार सिंह को 302 के अंतर्गत कन्विक्ट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये प्रिया और दर्शनी मट्टू केस एक बहुत ही फेमस केस था एविडेंसेस का, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस की सभी धाराओं को बहुत थरोली खोलने जा रहा है। यदि आपको हमारे ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें अपने कमेंट के जरिए अवगत कराएं। आपकी राय पॉजिटिव होगी तो वी विल वेलकम, आपकी राय नेगेटिव होगी तो वी विल रोल आउट रेड कार्पेट फॉर योर कमेंट। योर कमेंट शुड बी एसेंशियल, दैट मस्ट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मेक नो ऑड्स, क्योंकि नेगेटिव चीज इंसान को परफेक्शन की ओर लेके जाती है। तो जितना नेगेटिव इंसान को आस्पेक्ट और पहलू मिलेगा उतना ही वो परफेक्ट होगा। तो आपके कमेंट के जरिए हम आपसे मिलेंगे, तब तक मैं जयपुर से पंकज जोशी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक अगले केस के साथ। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट के जरिए हमें सजेशन बताते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।